हमने जो एज यूजुअल इलेक्शंस में करने होते हैं वो हमने पूरा कर लिया है, और इस बार थोड़ा चैलेंजिंग था कोविड को लेके। तो इसमें हमने स्पेशल अरेंजमेंट जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जो अबव 65 ईयर्स ऑफ एज है, तो उनके लिए और फिजिकली जो चैलेंज्ड बंदे होते हैं उनके लिए हमने पोस्टल बैलेट का फैसिलिटी, घर पे ही वोट रिकॉर्ड करने का हमने वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया। प्लस जो कोविड पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है या सस्पेक्टेड पेशेंट्स जो क्वारंटीन में है घर में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में, उनको भी हमने पोस्टल बैलेट का फैसिलिटी प्रोवाइड किया इस बार। ईवीएम मशीन बाकी जनरल इलेक्शन जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में तो यूज मतलब होते आ रहे हैं, मगर कौंसल इलेक्शन में फर्स्ट टाइम हो रहे इस बार आप लोगों ने एक मिशन भी चलाया है कि कोई भी वोटर छूटे ना, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, इसलिए दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताया। कोविड के चलते हुए हमने सीनियर सिटीजन्स, फिजिकली चैलेंज्ड, पॉजिटिव पेशेंट्स सबको हमने ये पोस्टल बैलेट का फैसिलिटी प्रोवाइड किया। प्लस जो नॉर्मल पोस्टल बैलेट होता है वो भी हमने बाय पोस्ट जितने भी जो लेह के लोग बाहर पोस्टेड हैं उनको हमने पोस्टल बैलेट एडवांस में भेजा है। हमने पूरा 100% कोशिश किया कि कोई छूटे ना, तो उसमें मुझे लगता है हम काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं।